नमस्कार साथियों, आदर्श विद्या मंदिर नौका उच्च माध्यमिक में आपका स्वागत है। कक्षा दसवीं विषय विज्ञान हम पाठ शुरू कर रहे थे, अध्याय हमारा नौ जो है प्रकाश। प्रकाश में हमने प्रकाश के विभिन्न गुणों, प्रकाश की परिभाषा, स्पेक्ट्रम इत्यादि के बारे में अध्ययन किया। उसके बाद हमने समतल दर्पण, गोलीय दर्पण इत्यादि के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब का निर्माण हम कैसे करते हैं। उनमें हम उत्तल दर्पण से बने प्रतिबिंब तथा अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंबों का अध्ययन करेंगे। यहाँ हम अध्ययन करेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण को समझने से पहले हम ये देखते हैं कि जो अवतल दर्पण है वो क्या होता है। देखो, वैसे आपको बताया जा सकता है अवतल दर्पण, देखो इस प्रकार का कोई भी एक हम दर्पण लेते हैं, उसमें बाहर की तरफ अगर हम पॉलिश कर देते हैं, बाहर की तरफ पॉलिश कर देते हैं किसी गोले दर्पण में, जब बाहर की तरफ पॉलिश करी होती है वो दर्पण हमारा अवतल दर्पण होता है। अर्थात उसका जो परावर्तक पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ का मतलब होता है कि जिस सतह पर पॉलिश की होती है उसकी जो विपरीत सतह होती है उसे हम कहते हैं परावर्तक पृष्ठ। इसे हम कहते हैं परावर्तक पृष्ठ। अर्थात अवतल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ धंसा हुआ होता है, ठीक है। तो इन अवतल दर्पण के द्वारा, इस अवतल दर्पण के द्वारा हम प्रतिबिंब का निर्माण कैसे करते हैं, ये हम इस लेक्चर के माध्यम से सीखेंगे। देखो, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण में हमारे सामने छह प्रकार की स्थितियां आती है। छह प्रकार की स्थितियों में हमारी पहली स्थिति है कि जब बिंब अनंत पर हो, अर्थात जब बिंब अनंत पर है, यू जो है वो हमारा अनंत पर है, तो हमारा प्रतिबिंब कैसा बनेगा, कहाँ बनेगा, उसका आकार कितना होगा, उसमें आवर्धन कितना होगा, ये सब हमें ज्ञात करना है। तो इससे पहले हम इसका एक बेसिक नॉलेज लेते हैं, जिससे हम अवतल दर्पणों द्वारा या उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण आसानी से सीख सके। इसके लिए हम देखते हैं, इस चित्र के माध्यम से देखेंगे हम कि एक हमने अवतल दर्पण लिया। पहला नियम क्या है कि अवतल दर्पण क्या उत्तल दर्पण कौन सा भी दर्पण होगा, अगर उसके समांतर कोई किरण आपतित होती है तो वो उस दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य फोकस में से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। अवतल दर्पण की स्थिति में जब कोई किरण, प्रकाश की किरण समांतर आपतित होती है तो टकराने के बाद मुख्य फोकस एफ में से गुजरती है, और यदि उत्तल दर्पण है तो वो अपने से गुजरती हुई प्रतीत होती है। प्रतीत होने का मतलब है कि वो यहाँ से होकर यहाँ परावर्तित हो जाएगी, पर उन किरणों को जब हम पीछे की ओर बढ़ेंगे तो वो अप पर मिलेगी। अर्थात जब कोई समांतर आपतित होते हैं, जब कोई किरण, तो वो मुख्य फोकस में से गुजरती है। ये होता है हमारा दर्पण का ध्रुव, जिसे हम पी से लिखते हैं। ये हमारा दर्पण का द्वारक है, जिसे हम एम और एन से लिखते हैं। ये हमारे दर्पण की मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष को हम एक्स एच एल से लिखते हैं। ये मुख्य अक्ष है। इस मुख्य अक्ष पर फोकस बिंदु होता है यहाँ एफ, और फोकस बिंदु से दर्पण के ध्रुव की दूरी को छोटे अक्ष से लिखते हैं, जिसे हम कहते हैं फोकस दूरी। और फोकस बिंदु कैसे निकालते हैं, ये मैंने आपको बता दिया कि जब कोई किरण समांतर आपतित होती है तो वो आपतन के पश्चात जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसे हम क्या कहते हैं, मुख्य फोकस बिंदु, ठीक है। यहाँ पर एक हमारा वक्रता केंद्र सी होता है। वक्रता केंद्र को कैसे ज्ञात करते हैं कि गोले दर्पण, ये गोले दर्पण किसी ना किसी गोले का भाग होता है, किसी ना किसी गोले को पॉलिश करके उसको एक साइड से काट देते हैं तो हमारे पास क्या दर्पण प्राप्त होते हैं, गोले दर्पण प्राप्त होते हैं। परंतु वो गोले दर्पण किसी ना किसी गोले का तो भाग होता है, तो जिस गोले का वो गोले दर्पण भाग है उस गोले के केंद्र को हम कहते हैं वक्रता केंद्र। सी का मतलब होता है वक्रता केंद्र। दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को हम कहते हैं वक्रता त्रिज्या, जिसे हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। सी से लेकर ध्रुव की दूरी वक्रता त्रिज्या, जिसे हम लिखते हैं आर, बड़ा आर लिखते हैं इसे, वक्रता त्रिज्या। यहाँ हम दर्पण की इस तरफ कोई ना कोई बिंब लेते हैं, वहां से किरणें गुजरेगी और दूसरी तरफ या इसी तरफ कोई ना कोई प्रतिबिंब बनेगा। वो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उसका आकार कैसा होगा, वो सीधा होगा कि उल्टा होगा, उसमें आवर्धन कितना होगा, उसकी पहले लंबाई जितनी थी क्या प्रतिबिंब की लंबाई भी उतनी होगी, क्या बराबर होगी या उससे कम होगी, यह सब अध्ययन अवतल दर्पण के संदर्भ में हमें
छह कंडीशन में देखते हैं। तो पहली कंडीशन है हमारी, जब बिंब अनंत पर हो। जब बिंब अनंत पर हो अर्थात बिंब का मतलब है जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है। अर्थात इस चित्र में आप देखिए, यहाँ मैंने संदेश गैस बोला, संदेश गैस का ये मतलब है कि वस्तु अनंत पर है। यानी यहाँ मैंने कई भी वस्तु नहीं बनाई, यहाँ मैंने वस्तु बनाई, यहाँ मैंने वस्तु बनाई, यहाँ मैंने वस्तु बनाई, पर यहाँ वस्तु नहीं बनाई क्योंकि यहाँ हमारे अनंत की कंडीशन आ जाती है। ठीक है, देखो अनंत पर वस्तु है तो प्रकाश किरण अनंत से चलकर आती है और दर्पण से टकराती है। इस चिन्ह का मतलब है कि अनंत से आई और इस दर्पण पर टकराई। टकराने के बाद हमारा पहला नियम था कि ये जो किरणें हैं वो मुख्य फोकस में से होकर गुजरेगी। ये किरणें एफ में से होकर गुजर रही है, सीधी आ गई। ठीक है, कोई बात नहीं, सीधी आ गई। दूसरी, दर्पण के समांतर मुख्य अक्ष के ऊपर से किरण आती है तो दर्पण के समांतर मुख्य अक्ष के नीचे से भी किरण आएगी। तो दर्पण के समांतर मुख्य अक्ष के नीचे से ये किरण आ रही है, इस मुख्य अक्ष से दर्पण के समांतर किरण आ रही है और ये यहां से टकराने के पश्चात मुख्य फोकस में से होकर यहां से गुजर जाती है। ठीक है, दोनों किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हैं, वो है मुख्य फोकस बिंदु। तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर, परंतु मुख्य फोकस पर इतना छोटा प्रतिबिंब होता है कि उसे हम सामान्य चित्र में दर्शा नहीं सकते। जब बिंब अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? मुख्य फोकस पर, पहली चीज। दूसरा, वास्तविक एवं उल्टा। वास्तविक का मतलब है कि चित्र में जब भी हमें किरणों को पीछे की ओर बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती, सीधा का सीधा प्रतिबिंब प्राप्त हो जाता है तो उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। उल्टा प्रतिबिंब ऐसा है कि पहले हमारे अनंत पर सीधे थे पर यहाँ पर हम जब प्रतिबिंब बनाते हैं प्रतिबिंब ऐसे नीचे की ओर उल्टा बनता है, इसलिए हम इसे कहते हैं वास्तविक एवं उल्टा। और जैसा कि मैंने बताया कि प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा बनता है तो इससे हम क्या कह सकते हैं, जब भी अनंत पर हो प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है और अत्यधिक छोटा बनता है। दूसरी कंडीशन, जब बिंब सी और अनंत के मध्य हो। सी का मतलब है वक्रता केंद्र, अनंत का मतलब है अनंत। यहाँ अनंत इस साइड में पूरा अनंत है तो वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य वस्तु है हमारी, यहाँ अनंत है, इनके मध्य हमारी वस्तु है एबी। इस वस्तु से किरण आ रही है, यहाँ से टकरा रही है और मुख्य फोकस एफएस होकर गुजर रही है, कोई बात नहीं गुजर रही है। दूसरी, दूसरा नियम यह है कि वक्रता केंद्र में से जो रेखा गुजरती है वो पुनः वक्रता केंद्र में ही लौट जाती है। यहाँ चिन्ह बनाएंगे, ये किरण यहाँ से आई और यहाँ गुजर गई, वक्रता केंद्र में से किरण आई और वापस वक्रता केंद्र में ही गुजर गई और दोनों किरणें जहां मिली वहां हमारा क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। तो दोनों किरणें कहां मिलेगी? सी और एफ के मध्य में मिलेगी। ये आपको याद रखना है, जब किरणें दोनों आपस में टकराएगी तो सी और एफ के मध्य में टकराएगी और हमारे पास एक उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। इसका मतलब क्या है? जब बिंब सी और अनंत के मध्य तो प्रतिबिंब बनेगा हमेशा वक्रता केंद्र सी और मुख्य फोकस बिंदु एफ के मध्य। वास्तविक उल्टा बनेगा और छोटा बनेगा, वहां अत्यधिक छोटा था यहाँ छोटा बनेगा। तीसरी कंडीशन, जब बिंब सी पर विद्यमान हो। सी का मतलब वक्रता केंद्र पर जब बिंब विद्यमान हो तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है और जिस आकार की वस्तु थी उसी आकार का प्रतिबिंब हमें प्राप्त होता है। तो देखिए, प्रतिबिंब बिंब सी पर है, बिंब सी पर बिंब है, यहाँ से किरण निकलती है, यहाँ से दर्पण से टकराती है, मुख्य फोकस बिंदु में से होकर गुजर जाती है। दूसरी कंडीशन, यहाँ से किरण आई, ये एफ में से गुजर जाती है, यहाँ से अगर एक किरण आई हमारी, यहाँ से एक किरण आई वो भी एफ में से गुजरेगी और यहाँ एफ में से गुजर जाती है। ऊपर से किरण आई एफ में से गुजरी, नीचे से एक किरण आ रही है वो भी मुख्य फोकस बिंदु में से होकर गुजरेगी। अब ये दोनों किरणें कहाँ मिल रही है? ये दोनों किरणें मिल रही है सी वक्रता केंद्र के नीचे की ओर, यानी कि जिस स्थान पर वस्तु विद्यमान थी उसी के नीचे की ओर उल्टी तरफ हमें क्या प्रतिबिंब प्राप्त होता है। इसका मतलब जो बिंब था वो वक्रता केंद्र पर था और प्रतिबिंब भी हमें वक्रता केंद्र पर ही प्राप्त होता है। अर्थात बिंब सी पर है, प्रतिबिंब भी सी पर, वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, वस्तु के बराबर। सबसे पहले अत्यधिक छोटा था, फिर थोड़ा सा बड़ा और फिर वस्तु के बराबर हो गया। अब जितने भी प्रतिबिंब बनेंगे वो वस्तु से बड़े ही बनेंगे। ठीक है, अब हमारी अगली कंडीशन है, जब बिंब सी और एफ के मध्य हो। जब वक्रता केंद्र और एफ के मध्य अगर हमारा बिंब विद्यमान हो, अगर हमारा बिंब वक्रता केंद्र एफ के मध्य विद्यमान है तो देखिए यहाँ पर हमने बिंब बनाया है, यहाँ से प्रकाश किरण चलती है, यहाँ से प्रकाश किरण चलती है और टकराने के पश्चात वो हमारे मुख्य फोकस बिंदु में से होकर गुजरती है। जब प्रकाश किरण इस मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष में ये मुख्य फोकस बिंदु से गुजरती है। ठीक है, दूसरा नियम, नीचे से प्रकाश की किरण आई
दर्पण से टकराए और मुख्य फोकस में से होकर गुजर गए, ये गुजर गई। अब ये दोनों दोनों किरणें जो है वो कहाँ टकराती है, दोनों किरणें टकराती है सी से दूर, यानी यहाँ हमारा वक्रता केंद्र सी है, इससे इस तरफ इसका प्रतिबिंब बनता है, क्योंकि दोनों किरणें ये इसकी आपतित किरण और इसकी परावर्तित किरण दोनों यहाँ टकराती है, इससे हमें प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ठीक है, तो जब बिंब वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस बिंदु के मध्य हो तो हमें प्रतिबिंब वक्रता केंद्र से दूर प्राप्त होता है, वास्तविक उल्टा प्राप्त होता है और प्रतिबिंब बड़ा प्राप्त होता है। ठीक है, प्रतिबिंब वस्तु से हमेशा बड़ा प्राप्त होता है। अगली कंडीशन थी हमारी पांचवी कंडीशन है कि जब बिंब मुख्य फोकस पर हो। अब ध्यान रखना, जब बिंब अनंत पर था तो फोकस पर बन रहा था, अब जब फोकस पर होगा तो वो अनंत पर बनेगा, सीधी सी बात है। तो मुख्य फोकस पर हमारा बिंब है, यहाँ विद्यमान है, तो बिंब ए और बी, यहाँ से प्रकाश किरण आई वो यहाँ दर्पण से टकरा कर यहाँ नीचे मुख्य फोकस में सोकर गुजरती हुई चली गई। यहाँ से दर्पण के ध्रुव पर अगर कोई किरण टकराएगी तो वो मुख्य फोकस के जो पथ था किरण का उसी पथ के समांतर हो जाएगी। दूसरा, तीसरा, सी में से अगर कोई वस्तु किरण गुजरती है तो वो सी में से ही पुनः आ जाते हैं, यह सी में से ही पुनः सी में से ही गुजर जाती है। अर्थात तीन नियम हमने इसमें लगा दिए, एक समांतर किरण वाला जो मुख्य फोकस में से गुजरता है, दूसरा ये दर्पण के ध्रुव से टकरा कर इसके समांतर हो जाते हैं, तीसरा वक्रता केंद्र में से गुजरने वाली किरण पुनः वक्रता केंद्र में से ही परावर्तित होती है। अर्थात तीनों किरणें हमें मिला दी, पर तीनों किरणें आपस में क्या है, समांतर है, ये तिनों किरणें ऐसे चलती रहेगी। क्या ये किरणें कभी समांतर किरणें आपस में मिलती है, तो ध्यान रखना समांतर किरणें कभी भी आपस में नहीं काटती, तो हमें इनका प्रतिबिंब कभी भी नहीं काट रहता, डैश डैश बनाएंगे, यहाँ भी क्या बनाया था डैश डैश, इसका मतलब क्या होता है अनंत। अर्थात जब बिंब मुख्य फोकस पर विद्यमान हो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, वास्तविक उल्टा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा। ठीक है, अगला हमारी छठी कंडीशन और लास्ट कंडीशन देखो, जब बिंब एफ पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ठीक है, जब बिंब एफ पर हो, एफ पर नहीं हो, ये क्या हो, एफ है ध्रुव पर, एफ पर पी पर, पी के मध्य हो, क्योंकि एफ अर्थात तो मैंने अनंत बनाए थे, जब बिंब एफ में पी के मध्य हो, अर्थात पी का मतलब होता है पोल, पोल या दर्पण का ध्रुव, जब बिंब मुख्य फोकस और दर्पण के ध्रुव के मध्य विद्यमान हो तो हमारा प्रतिबिंब कैसे बनेगा। देखो, फोकस और पी के मध्य विद्यमान है तो एक हमने फोकस वाला नियम लगा दिया, एक हमने ये ध्रुव वाला नियम लगा दिया और एक हमने सी वाला नियम लगा दिया। ठीक है, परंतु पीछे बनाने की कंडीशन, जब दर्पण के पीछे हम तभी बढ़ा सकते हैं जब तो बिंब है हमारा वो एफ और पी के मध्य हो, पहले एफ तक था तो हम इसे पीछे नहीं बढ़ा रहे, किरण के पीछे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इन्हें पीछे नहीं बढ़ा रहे, अब हम इसको पीछे बढ़ा रहे हैं, किरण ऐसे पीछे बढ़ाएंगे, इसको भी पीछे बढ़ाया, इसको भी पीछे बढ़ाया, पीछे बढ़ाने के लिए तीनों एक जगह मिल रही है, कहीं ना कहीं दूर एक बिंदु पर काटे, मैंने पास में इसे बने क्योंकि बोर्ड में हम आगे बना नहीं सकते दूर, इसलिए मैंने आपको समझाने के लिए पास में बनाया, बाकी किरणें बहुत दूर जाकर आपस में मिलती थी, नजदीक नहीं मिल पाती क्योंकि समांतर पीछे के चौके ऐसे मिलेगी। ठीक है, अब देखो यहाँ से हमें ए डैश और बी डैश जो है प्रतिबिंब है वो प्राप्त होता है। ठीक है, इसके पीछे बढ़ाने पर जो हमें इसका मतलब इसमें क्या लिख सकते हैं कि जब बिंब एफ व पी के मध्य हो तो हमें प्रतिबिंब दर्पण के पीछे प्राप्त होता है, दर्पण के पीछे प्राप्त होता है, पीछे कहीं सब आगे प्राप्त होते हैं, इसलिए हमने लिखा नहीं था दर्पण के आगे, बाकी सब इसमें क्या होगा, सब दर्पण के पीछे प्राप्त होगा, प्रतिबिंब सेकेंड आभासी और सीधा बनेगा। तो हमारे हमारा क्या मतलब था, वास्तविक उल्टा आभासी का मतलब होता है कि मान कर जो बनाया हुआ प्रतिबिंब होता है वो आभासी कहलाता है, ये हमने पीछे बढ़ा कर माना है, पीछे बढ़ाएंगे तो बन जाएगा, इसका मतलब ये कौन सा प्रतिबिंब आभासी, और इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा बनेगा और प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, सबसे बड़ा प्रतिबिंब यहाँ बनता है और सबसे छोटा प्रतिबिंब यहाँ बनता है। तो ये हमारे उत्तर दर्पण द्वारा बनेंगे प्रतिबिंबों की जो लिस्ट थी, ये हमारी छह कंडीशन थी, अगली वीडियो में हम उत्तर दर्पण से सीखेंगे। ठीक है, और इसमें सीखने वाली दो मेन चीजें थी, तो इसमें जो नियम है मैं ये देखी, ये हमें उत्तर दर्पण में हमने बाहर की तरफ फॉलो सोचिए अंदर की तरफ परावर्तक पृष्ठ होता है, इसमें एफ सी पी तीन बिंदु, इसमें समांतर कोई किरण आएगी, समांतर किरण आएगी वो एफ में से गुजरेगी, सी में से कोई किरण आएगी वो सी में से गुजरेगी, और यहाँ वस्तु है यहाँ पी से टकराएगी और वस्तु इधर किरण आ जाएगी। ये मुख्यतः तीन नियम है, इसमें से ज्यादातर हमारे ये नियम काम आएगा, समांतर आने वाली किरण परावर्तन के पश्चात एफ में से होकर गुजरती है।